नमस्कार दोस्तों, जीआरएस टेक्निकल में स्वागत है आपका। आज लेकर मैं आ गया हूँ सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि रेलवे, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी और ग्रुप डी और सभी परीक्षोपयोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आरआरबी गोरखपुर से और लिए चलेंगे सारे जोन में आपको। तो पहला प्रश्न सुनिए, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग के। पृथ्वी की भ्रमण गति है 26.8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑडियो वर्जन लाऊंगा। आप कहीं भी रहिएगा, बैठ जाइएगा, आराम से पढ़िएगा, याद होते जाएगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है अभी बताया था मैंने, कमेंट करिए, 26.8 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तेल के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण के कारण जो तेल है वो जमने में क्रिया करती है। तेल के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो हाइड्रोजनीकरण के कारण। किस भौतिक राशि का मात्रक टेक्सला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। रॉकेट के कारण का सिद्धांत, रॉकेट का जो कार्य है उसका सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। अगला प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। एक बार बराबर होता है, एक जो बार होता है वो 10^5 पास्कल के बराबर होता है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। ध्यान से सुनिएगा, फिनोल जो है वो जिंक पाउडर के साथ आसवन करेगा तो बेंजीन प्राप्त होगा, मतलब मिलेगा। तो पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का यूज किया जाता है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समावधि दुगुनी हो जाती है। घड़ी से दो प्रश्न हैं इसमें इम्पोर्टेंट है कि घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाई जाने पर अवधि जो है बढ़ती है, वो घड़ी पीछे हो जाती है। नेक्स्ट है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि दुगनी हो जाती है, मतलब घड़ी का कोई भी प्रश्न आए तो सीधा उसको बढ़ा दीजिएगा। डायोड के साथ धारा कितने दिशा में बहता है? एक दिशा में। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा और ग्रेफाइट भी है, अगर हीरा है तो ठीक, नहीं तो ग्रेफाइट है। हीरा ऐसे सबसे कठोरतम पदार्थ है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन, जितना भी पेट्रोल इंजन होता है, कार, मोटरसाइकिल या कुछ भी, सब में कार्बोरेटर का यूज होता है। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव्य में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के भार पर। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो भट्टी का तापक्रम मापा जाता है पायरोमीटर से। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। चलिए लिए चलता हूँ आरआरबी अहमदाबाद 15/7/2002 के प्रश्नों पर। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवंशिका जेनेटिक्स कहा गया? तो ग्रेगर मेंडल। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71%। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। मॉन्ट्रियल संलेख किसके संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल संलेख जो है प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्ष से। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो निर्जलीकरण के समय पानी का सबसे ज़्यादा
क्षय होता है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। आरआरबी अजमेर की ओर बढ़ते हैं। 4/8/2002 में पूछे गए थे ये प्रश्न। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। ये केबी एमबी जीबी सब में तो 1024 होता है, लेकिन एमबी जीबी बाइट टेराबाइट ऐसे करके होता है। ग्रीन हाउस तो 1 किलोबाइट में कितना बाइट्स होता है? तो 1024 बाइट्स। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। जब तक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। CFC क्या है? तो जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। तो CFC का फुल फॉर्म क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। AC में भी यूज होता है। तो दोस्तों, जिन भाई बहनों के घर में AC हो तो उसका उपयोग न करें, नहीं तो हड्डी गल जाएगा और आप मानसिक और स्वास्थ्य रोग से पीड़ित हो जाएंगे। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो RGB मतलब कि नीला हरा लाल, और फोटोग्राफ में भी RGB मतलब इस दुनिया में अगर कोई 3 कलर मेन है तो वो RGB है, उसी से मिलकर अनेकों कलर का निर्माण होता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? तो आकार घट जाता है। ध्वनि प्रदूषण के का लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? तो शोर शराबा, ज़्यादा तेज हॉर्न बजता है, DJ बजता है, तो वो सारे ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। आइए चलते हैं RRB कोलकाता 28/9/2002 के सेट पे। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दबाव बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो SO2 के कारण, सल्फर ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन जो है वो बायोगैस का सबसे ज़्यादा घटक है। गैल्वनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है गैल्वनीकरण के कारण। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन तो फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत इम्पोर्टेंट है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आइए आपको लिए चलते हैं रांची RRB पे, और ये आया था प्रश्न आपको 6/11/2002 में पूछे गए थे। एक पत्थर का धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे कहते हैं एस्ट्रॉइड। मान लीजिए कि एक पत्थर का टुकड़ा है और वो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे तो उसको क्या कहेंगे? एस्ट्रॉइड। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज भी दे सकते हैं। ऊर्जा ग्लूकोज से बहुत आता है। गर्मियों के मौसम में ज़्यादा पानी न पीने से, ग्लूकोज की कमी हो जाने से हड्डी में कमजोरी आ जाती है और बड़ी दर्द हो जाता है। RRB बंगलोर 27/10/2002। जब पारा एक परिवर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास 9 चंद्रक होगा, उत्तल होगा। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास 9 चंद्रक होगा, उत्तल। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुँचेगा? तीनों वस्तुएं एक साथ आएंगी। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है।
क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखने से संचित रहता है। मोह मापनी, मोह स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो मोह स्केल खनिज की कठोरता को मापने में उपयोग किया जाता है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो हैलोजन। हुक, जो हुक्स है, हुक्स का नियम लागू होता है प्रत्यास्थता सीमा तक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और अच्छे अच्छे ऑडियो वर्जन आप लोगों के लिए जल्द से जल्द मैं लाता रहूँगा।